हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। प्यारे साथियों, आज मैं यहां पर आपके सामने, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आपके यहां बैचेज स्टार्ट हो गए हैं एयरफोर्स जीडी के लिए, तो सर उसका डिटेल्स क्या है मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। प्यारे साथियों, फेज़ सेकेंड, सबसे बड़ी बात तो है कि सर फेज सेकेंड कब से स्टार्ट होगा, तो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ जिनको भी डाउट है। प्यारे साथियों, फेज़ सेकेंड एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग, एयरफोर्स के ऑफिशियल जो ऑफिसर्स हैं उनके अकॉर्डिंग 21 से लेकर 29 तारीख के बीच में कराया जाएगा, लेकिन लास्ट डेट 24 है, 24 से 5, 21 से स्टार्ट हो जाएगा, 21 अगस्त से या 24 अगस्त से, ये दोनों डेटों में से किसी एक से स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास समय कम है बहुत ज़्यादा, बच्चों का एग्ज़ाम लगभग हो चुका है, आज 30 तारीख है, एग्ज़ाम लगभग हो चुका है, कल का और एग्ज़ाम बचा हुआ है। उन सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, प्यारे साथियों मेरे यहां गारंटेड बैचेस, बहुत ही बेहतरीन बैचेस एयरफोर्स फेज सेकंड के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, स्पेशली एयरफोर्स जीडी। ग्रुप डिस्कशन कैसा होगा प्यारे साथियों, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होगा, फिजिकल की भी साथ में प्रिपरेशन कराई जा रही है। प्यारे साथियों, आपको आना है, और एक तारीख से मेरे यहाँ पर सुबह मॉर्निंग 6 बजे से लेके रात के 6 बजे तक, इवनिंग 6 बजे तक केवल और केवल एयरफोर्स जीडी का ही बैचेस कंडक्ट होंगे। एक बैच लगभग 2.5 घंटे का है, आप कितने भी बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्यारे साथियों, कौन कौन से हैं वो सारे कंप्लीट बन चुके हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सारे कंप्लीट, बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता दूं, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये केवल पिछले बार, केवल एक बार के बता रहा हूं, पिछले बार के इंटेक में सेलेक्टेड बच्चे हैं, और ये संख्या है लगभग प्यारे साथियों 150 से 200 संख्या है, ये केवल ये पिछली बार ही सेलेक्टेड बच्चे हैं सारे एयरफोर्स में। तो आप ये समझ लीजिएगा, जिनको भी तैयारी करनी है, मैं यहाँ पर आपको क्लियर बता दूँ, एयरफोर्स फेज सेकेंड के लिए बैचेज़ के रिगार्डिंग आपसे बात कर रहा हूँ, न मैं यहाँ प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जिनको भी फेज सेकंड में दिक्कत है, गारंटेड हम बोल रहे हैं कि आप यहाँ से बाहर नहीं होंगे। मैं सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट की प्रैक्टिस, किस तरह का पेपर आएगा आपको, पीडीएफ उसकी दी जाएगी, कराया जाएगा, टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से होंगे, उन पर डिबेट कैसे करना है, आई थिंक आप सभी ने यूट्यूब पर मेरे वीडियोज़ देखे होंगे। एक बैचेज में आपको 25 बच्चे प्रॉपर तरीके से या 20 बच्चों का डिबेट कराया जाएगा, हर टॉपिक को कम से कम 20 टाइम्स डिस्कस किया जाएगा प्यारे साथियों, हर टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है 10 to 20 टाइम्स, और किस तरह डिबेट बुक करना है, इंट्रोडक्शन कैसे बोलना है, कितने समय में बोलना है, इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक। मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ पर लगभग 1 तारीख से बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं बाहर से, बहुत सारे, हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है प्यारे साथियों, रहने खाने का आपको कुछ नहीं करना है, केवल बस मेरे साथ रहना है। आप जितना आप कर सकते हैं, एक बैच, दो बैच, तीन बैच, कितने भी बैचेज ले सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, सुबह मॉर्निंग 6 बजे से शाम इवनिंग 6 बजे तक केवल मेरे यहाँ ग्रुप डिस्कशन ही चलेगा। मैं सारे बैचेज अपने बंद कर देता हूँ जिससे कि मैं पूरा फोकस कर सकूँ, एक एक टॉपिक पर बहुत ही सेलेक्टिव, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, हर बच्चा जो सेलेक्टेड है उसका रिव्यू, हर एक बच्चे के टॉपिक सामने लिखे हुए हैं, इधर आप देख नहीं पा रहे हैं शायद, कमेंट में लिखा हुआ है, जैसे एक बच्चे ने बोला है कि सर मेरे ग्रुप में 16 में से 8 सेलेक्ट हुए और एक एक लाइन सेम थी आपके टॉपिक मिलिट्री ट्रेनिंग की, और मौजी मौज कर दी सर जी। दूसरा बच्चा कह रहा है सर थैंक यू सो मच, आपका टॉपिक था जुवेनाइल क्राइम, ओल्ड एज होम एंड पॉलिटिक्स। एक बच्चा कह रहा है सर जो आपने कराया था वही मैंने बोला, और मैंने आपके टॉपिक सेक्स एजुकेशन फॉर माइनर्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मिलाकर बोल दिया। ये सारे के सारे जब आप आएंगे तो सारी डिटेल्स आपको मैं किस तरह पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक्स क्या हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सारे टॉपिक्स रेडी हो चुके हैं, आई थिंक आप देख पा रहे हो शायद, बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, कैसे बोलना होगा, कितना बोलना होगा। और अभी भी जिनको गलत फहमी है कि सर एयरफोर्स का फेज सेकंड नहीं होगा, बहुत गलत कर रहे हैं, मैं बता देता हूं, जो भी बच्चे जिनके बाई ग्रुप में 35 स्कोर बन रहा है और जिनका एक्स ग्रुप में 33 प्लस बन रहा है, वो आँख बंद करके, भले ही मेरे यहाँ नहीं आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट आँख बंद करके वेट मत करिएगा, फेज सेकेंड की तैयारी कर दीजिएगा, शुरू करिएगा। 20,000 बच्चे फेज सेकंड के लिए बुलाए जाएंगे, जिसमें से केवल 20,000 पास करेंगे, जिनमें से 12,000 को भगा दिया जाएगा मेडिकल, केवल 8,000 बच्चे रह जाएंगे मेडिकल के टाइम पर।
आप समझिएगा, ये बहुत बड़ा राउंड है, हल्के में मत लीजिएगा। उसी दिन आपका फिजिकल होता है, उसी दिन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, उसी दिन आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। सुबह 5 बजे आपको एंट्री करनी होती है और आपको रात निकलते निकलते लगभग 6 से 7, 8, 9, 10 तक बच जाते हैं। सारे राउंड उसी दिन ख़त्म होते हैं। आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन भी होता है प्यारे साथियों, डॉक्यूमेंटेशन होगा, DI होगा, DV। और इसीलिए जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट के बाद हम लोग आएंगे, टाइम नहीं मिलेगा, या जिनका स्कोर अच्छा नहीं है कि सर डाउट है मुझे, तो आप रिजल्ट के बाद आ सकते हैं। बट यदि आपका स्कोर बिल्कुल क्लियर कट है तो प्लीज़ आप वेस्ट मत करिए। जिस दिन आप एयरफोर्स के फेस सेकंड से बाहर होके जब आउट हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे और उधर से लौट रहे होंगे, तो इतनी भयंकर निराशा होगी आपको कि मैं उसका आंसर नहीं दे सकता हूं। इसलिए बेहतर है कि समय को रहते हुए, जिनके पास समय है, टाइम इस बार एयरफोर्स ने बहुत कम दिया है आपके, एयरफोर्स के लिए फेस सेकंड के लिए केवल 10 दिन का समय मिल रहा है। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, आप मेरे यहाँ नहीं आना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जिनके भी, फिर रिपीट कर रहा हूँ, बाई ग्रुप में 35 और एक्स ग्रुप में 33 प्लस है, आँख बंद करके आप प्रिपरेशन को शुरू कर देनी चाहिए आपको। और मैं प्रॉपर SRT सर, आपके यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है बिल्कुल अवेलेबल होगी, रहना खाना आपको होगा, ठीक है ना। सुबह 6 से शाम के 6 तक केवल 1 महीने कुछ नहीं होगा, सारे बैचेस बंद, टोटली आपको कंप्लीट फोकस होगा एयरफोर्स के GD में। आप मेरे साथ केवल 10 दिन भी समय व्यतीत कर लेते हैं, कोई भी किसी भी सेंटर से आपको कोई फेस सेकंड में बाहर नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ चैलेंज, क्योंकि मेरा पिछला स्कोर है उसके आधार पर मैं इतने दम से बोल रहा हूँ प्यारे साथियों। पिछले बार 90 बच्चे थे, 90, उनमें से 84 सेलेक्टेड हैं, आपको बिलीव नहीं होगा, वो मैं दिखा सकता हूँ, आप आ सकते हैं अनडाउटेडली। लेकिन यदि आप नहीं भी आ पा रहे हैं तो प्लीज़ गाइज, मैंने टेलीग्राम चैनल पर वो आपको PDF टॉपिक्स की भेजी हैं, वो एक बार आप प्लीज़ आंख बंद करके याद कर लीजिएगा। उसमें इंट्रोडक्शन भी है, उसमें मैंने SRT के पेपर्स भी भेजे हैं, कम से कम 10 पेपर। SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कैसा होगा सर, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिचुएशन बेस्ड आते हैं, आपकी रिएक्शन क्या होगी उन पर, हम टोटली अगले 1 महीने एयरफोर्स के बहुत ही बड़ा बैच होगा आपके साथ। कम से कम जब आप आएंगे तो 250 से 300-400 बच्चे मेरे यहाँ पर आपको मिलेंगे अलग अलग तरीके से। तो मुझे एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है कि रात में 9 बजे तक भी बैच चलाना पड़ेगा तो मैं चलाऊँगा तैयारी के लिए, लेकिन आपको बाहर नहीं होने दूंगा, और ये मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बिलीव करिएगा प्लीज़ गाइस, जब आप यहाँ आएंगे तो आपको और ज़्यादा जो मैं बोल रहा हूँ उससे अच्छा लगेगा। टाइम कम है, जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं वो वेस्ट मत करिएगा, चाहे कहीं भी तैयारी करिएगा, पर प्लीज़ बाद में रोना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है जितना आप फेस सेकंड को समझ रहे हैं, उतना आसान नहीं है जितना आप फेस सेकंड को समझ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, 8954047969 एंड 8218087 and 8218067896। दोनों नंबर पर आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल रेस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। एंड थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।